हेलो गाइस, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये पावर फिल्टर या टॉप फिल्टर होते हैं, इनके हेड क्यों ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास में जो है, आपको ये दो पावर फिल्टर दिख रहे हैं। देखिए, इसका ये वायर है, मैं आपको एक एक करके लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए, अब इसी तरीके से ये दूसरा वाला भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसका जो ये हेड है ना, ये रोटेटर को आपको निकाल लेना है। ये देखिए, मैं दोनों के रोटेटर निकाल लेता हूँ। सबसे पहले ये आपको चेक करना है कि इसमें पावर आ रहा है नहीं। तो जैसे कि ये वायर इसमें लगा हुआ है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। और चेक करने के लिए आप इसमें स्क्रू ड्राइवर या कोई कील अगर जैसे अंदर डालोगे तो आपको हल्का सा वाइब्रेट जो है महसूस होगा। और ये आप देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फोर्स की तरह जो है इसकी वॉल पे चिपक जा रहा है। तो मतलब ये जो हेड है ये चालू है पावर फिल्टर का। अब जो दूसरा वाला है इसको निकाल लेते हैं और ये दूसरे वाले को भी लगा के चेक कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो है कोई पावर नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, वाइब्रेट भी नहीं हो रहा है, वॉल पे ये स्टिक भी नहीं हो रहा है। तो मतलब कि इसमें प्रॉब्लम कुछ दूसरा है। एक चीज़ आपको ये भी चेक करनी है फ्रेंड्स कि इसका जो ये बुश है, ये कैसे कटा फटा हुआ अगर हुआ तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। या तो फिर ये जो विंग्स है, अगर कोई विंग टूट गई तो भी ठीक से काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें भी इसकी ओके, लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि इसके अंदर जो ये एक होल होता है, मैं आपको ये फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुके। ये देखिए, इसके अंदर जो आपको ये होल दिख रहा है, ये कई बार काफ़ी समय तक जो है चलने की वजह से जो लूज़ हो जाता है। इसके अंदर जो हमारा ये बुश है, ये ठीक तरीके से बैठ नहीं पाता। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा कॉटन का पीस जो है एक कट करके इसके ऊपर आपको जो है ये लगा देना है। मैं करके बताता हूँ आपको। A few moments later. ये इस तरीके से आपको इस पे लगा लेना है। अगर ये कपड़ा इस पे ठीक से स्टिक ना हो तो थोड़ा सा ये कॉटन क्लोथ को गीला कर ले पानी से, तो ये अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगा। और फिर आप इसको इसके अंदर जो है टाइट कर दीजिए। ये मैंने क्लोथ के साथ जो है लगा दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, आपको दिख रहा है अंदर, और अभी ये काफ़ी टाइट भी हो गए। अब जो है ये हम लोग लगा लेंगे। और इसको अच्छी तरीके से अंदर पुश कर लेंगे और ये पुश ऊपर जो है लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम लोग इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये काम कर रहा है राइट। इसे एक बार बंद करके इसको नीचे के इसमें भी लगा के जो है चालू करके देखते हैं। इट्स वर्किंग वेल फ्रेंड्स। तो होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया रहेगा। तो आपका भी अगर जो है इंटरनल फिल्टर या पावर फिल्टर काम नहीं कर रहा, तो उसके हेड के साथ में आप ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो ताकि वो काम करने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।